कारनामा सामने आया है। मुकदमे में फौजी का नाम हटाने के लिए रुपए मांगे गए हैं। दरअसल फौजी का नाम हटाने के लिए रुपयों की मांग की गई, फौजी के भाई से रुपए मांगे गए और इसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। फौजी अनिल कुमार सिंह ने एसएसपी से इस बात की शिकायत भी की है। तो आपको ये ऑडियो भी सुनाते हैं कि इस दौरान कैसे रुपयों की मांग की गई है, सुनिए जरा। जी सर, क्या बता रहे सर? अरे ये कह रहे हैं, तुम ये बताओ, दोनों जने बाप बेटा फौजी के लिए कुछ सोच रहे कि नहीं सोच रहे? क्यों ना फौजी के लिए क्यों ना सोच रहे? कि फौजी की नौकरी कराया कि घरे बुलाए रहे? फौजी की नौकरी घरे बुलाए रहे सब समझ। अरे फौजी खिलाफ मुकदमा है, यहाँ से हम नोटिस तो बनाए के ये भेज देंगे, फौजी घर पर आ जाएगा और क्या। और तुम फौजी के लिए बाप बेटा सोच नहीं रहे कुछ? तो बताओ ना साहब, हम कह रहे उसको निकलवाई दे, मुकदमा से अलग करो, और तुम अपना बाप बेटा सोच ही नहीं रहे। तो मुकदमा से मैं बोल तो रहा हूँ अलग करने के लिए साहब, इसीलिए तो पापा को भेजा है मैंने। पापा को भेजा तो पापा तुम्हारे ना हाँ कर रहे ना कर रहे, गूंगा जैसे बिल्कुल भी। तो जाकत के हम अबे बात करें तब बात करें। तो साहब बताओ ना कैसे कानून बाहर निकले हुए ऐसे? मैंने इनसे कह दी, सुनो मेरी बात सुनो, तुम भी सुन लो। हाँ। मैंने इनसे कह दी, सीओ साहब से कह आओ जाए, मुझे एक पैसा की जरूरत नहीं। सीओ साहब कहते हैं फौजी को निकाल दो, सीओ साहब जो भी दक्षिणा हो तो उन्हें गए आओ जाए। तुम पे 2 रुपया ले लें, 2000 ले लें, 5000 ले लें, 1 और न ले, और बस तुम हमारे लिए फोन करवाई दो, फौजी को तो निकाल के इसमें वो लगाई दो, खत्म करो मुकदमा। देखो एक आदमी सीओ साहब निकालते हैं 5000 उनका सीधा रहता है। क्या सर? हाँ अलग करो 5000 उन्हें रुपया दो। तो सुना आपने, यूपी पुलिस के कारनामों की लिस्ट वैसे देखी जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें और एक कारनामा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो पीड़ित पक्ष है उससे सीधे तौर पर रुपयों की डिमांड की जा रही है, जिसके चलते मामला रफा दफा हो जाएगा, यानी कि मुकदमा से छुटकारा मिल जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो